अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज हमारी एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है द सोल टेकर। एक मरतबा क्या हुआ कि एक हिल्स पे, यानी कि पहाड़ पे, एक माउंटेन पे, वहाँ पे तीन सिस्टर्स रहती थी। जब तीन सिस्टर्स रहती थी तो वहाँ पे, यानी कि वो बहुत एक जेनरस थी, पायस में थी और फेथफुल भी थी। मतलब कि उनका कोई भी दुनिया से लेना देना नहीं था, वो अपने यानी कि ईमान पे थी। ज़्यादातर इधर उधर भी घूमना भी उनका नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर के कोर्टयार्ड में डिगिंग कर रही थी, गड़ा खोद रही थी। खोदते खोदते उन्होंने एक बॉक्स निकाला, जब उनको ओपन किया तो वहां से सोना निकला, गोल्ड निकला, गोल्ड का भरा हुआ था वो बॉक्स। जब उन्होंने देखा तो वो उन्होंने चीखें मारना स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा कि ये एक सोल टेकर है। मगर उन्होंने सोचा कि इसको हम फिर से बरी कर दें, इसको हम फिर से दफना दें या अपने घर को ही छोड़ दें। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब ये परेशान थी, तो उसी घर के करीब में से चार आदमी गुजर रहे थे, वो भी चार फ्रेंड्स थे आपस में, वो भी गुजर रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने माजरा पूछा कि आप क्यों चीख रही हैं, आप क्यों परेशान नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत मुश्किल आ गई है और वो है कि सोल टेकर। उन्होंने क्या कैसा सोल टेकर, जब उन तीन सिस्टर्स में से एक सिस्टर उनको गए दिखाने तो कहा कि ये सोल टेकर है। और वो चार आदमी बहुत हंसने लगे और उनको पागल समझने लगे, आप लोग पागल हैं, ये सोने से भरा हुआ है। मगर उन लड़कियों ने उसको सोल टेकर समझा, मगर वो चारों जो चारों थे वो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने से एक बियर्डेड मैन था, उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने लड़कियों को कहा, उन तीन सिस्टर्स को कहा कि आप जाएं, आपको यानी कि अगर परेशान है तो आप सिटी जाएं, सिटी जाके आप थोड़ा नॉर्मल होके आ जाएं, इतने जगह में आपके मतलब जो गोल्ड है, जो बॉक्स है, उनका हम ख्याल करते हैं। जैसे ये वहाँ पे गई और चारों ने सलाह की, उन्होंने कहा कि अब हम इसको यहाँ पे छुपाएं या हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो लड़कियां तो लेने वाली हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब चारों ने डिवाइड किया, आप दो को कहा कि आप जाएं मार्केट और वहां से आप थोड़ा कुछ खाने के लिए ले जाएं, लेके आए, और दो जो है वो उन्होंने कहा कि हम इस बॉक्स को, यानी कि गड्ढे से, उस यानी जो गड्ढा था उन्हीं में से हम उसको निकालते हैं। अब दो जाते हैं मार्केट में और दो वहां पे रह जाते हैं, और दो आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना चारों में डिवाइड करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्यों ना इसको हम दो मतलब दो ही सही करें, क्योंकि वो एक आप ले और एक मैं लूं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे हमारे ये दो यानी दोस्त आएंगे, दो फ्रेंड्स आएंगे, तो जैसे आएंगे हम उसी को मार देंगे। अब हुआ कुछ यूं कि जैसे वो मार्केट से आए, जैसे वापस आ रहे थे, तो एक छुपा हुआ था, एक रास्ते से यानी छुपा हुआ था और दूसरा दूसरे रास्ते छुपा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे अब छुप के जैसे वो दो आए, और जैसे भी दो आए वो उन्हीं को मार डाला। अब वो खाना था, अब स्टार्ट में उन्होंने कहा कि अब हम ये खाना स्टार्ट मतलब खा के फिर हम डिगिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको मतलब खोदेंगे। अब उन्होंने जैसे खाना गया वो भी मर गए, क्योंकि जैसे इनकी सोच थी, उन्होंने फ्रेंड्स जो दो फ्रेंड्स मार्केट गए थे उन्हीं की वैसी सोच थी। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम दो यानी हिस्सों में बांट लें, तो वो उन्होंने भी अपने खाने में जहर मिलाया हुआ था, और इन्होंने भी अपना कोई काम बनाया हुआ था कि हम मतलब इनको मारेंगे, और उन्होंने कहा हम इनको मारेंगे। तो ऐसे ही चारों मर गए, और तीनों जो सिस्टर्स थी वो आई और देखे कि चारों डेड बॉडीज पड़ी थी, और उनका यकीन और पुख्ता हो गया कि ये जो है सोल टेकर है। अब उनका यकीन ये सही भी था, क्योंकि आज का जो ज्यादा पैसा, जो ज्यादा गोल्ड किसी को मिल जाए तो वो उनको परवाह ये नहीं रहती कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कुछ भी करे, कुछ मरे भले कुछ भी करे, मगर उनको उनसे ख्याल नहीं होता, बस हमें कुछ मिलना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कुछ सबक मिला हुआ होगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।